फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। महात्मा गंगा दास की स्मृति में कुचेसा रोड चौपड़े पर दो दिन के कुश्ती खेल का आयोजन किया गया। कुश्ती की प्रतियोगिता का यह आयोजन मंगलवार को संपन्न हो गया। दंगल के दूसरे दिन पहलवानों में विभिन्न भार वर्गों की कुश्ती में भाग लेकर प्रतिभा दिखाई। दंगल में सबसे बड़े इनाम की कुश्ती 1,51,000 रुपए में मनदीप सुमित, संदीप ओसवाल, अभिषेक खोकर विजयी रहे। दंगल में दूर दराज के अनेक पहलवान शामिल हुए थे और दंगल की इस प्रतियोगिता में विशेष अतिथि रहे MLC प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी। जहां एक तरफ देश भर से आए प्रतिभागियों में लड़कों की मौजूदगी रही, तो बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़ कर दंगल में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दमदार प्रदर्शन करके अपना दमखम भी दिखलाया। इस मौके पर मौजूद अतिथियों से हमने जाना कि पारंपरिक खेल दंगल में लड़कियों के प्रदर्शन से वो कितने प्रभावित हैं, साथ ही देश की अन्य बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो क्या कामना करते हैं। आयोजन के दौरान MLC प्रत्याशी सुनील कुमार को भारी संख्या में आयोजकों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मैम, इस कुश्ती का हम उद्घाटन लगभग जो है दंगल का आयोजन 50 सालों से हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे बड़ों ने पहले किया, हम लोग कर रहे हैं। महात्मा गंगा दास जी के नाम पर हम इसका आयोजन करते हैं। पहले हम लोग कुश्ती मिट्टी पे करते थे, अब बदलाव देख रहे हो आप। जो नेशनल प्रोग्रेसिव होता है तो बैट पे दंगल करा रहे हैं। ग्रामीण में लड़कियों का दंगल कराना है जी, और इसका दंगल कराना लड़कों का। जो भारत केसरी कोई भी हो, हमारे यहाँ 6 स्टेट के पहलवान लगभग यहाँ हैं मौजूद वर्तमान में, तो हम लोग सबसे मौजूद हैं। तो हम सब काफ़ी बदलाव मान रहे हैं भाई। ग्रामीण क्षेत्र में हम उस पर कुश्ती करा रहे हैं भाई, मैट पर कुश्ती करा रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा बदलाव मान रहे हैं हम लोग तो इसमें। आपका क्या कहना है सर कि जो कुश्ती का गेम है, पहले सिर्फ लड़के ही इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, अब बढ़ चढ़कर लड़कियों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू किया है, तो ये काफ़ी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका यहाँ पर क्या क्या योगदान है और इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ पर 6 लोग कमेटी में, समस्त कर लोगों क्षेत्र का योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे जो अति विशिष्ट अतिथियाँ हैं डिप्टी साहब सुनील त्यागी जी, उनको लेकर के बहुत अच्छा लगा और समस्त टीम उनका समर्थन करती है। सुनील त्यागी जी का हम तहे दिल से सारी दंगल कमेटी और क्षेत्रीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम बड़ा फील महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पर। सर, कमेटी ने इतना बड़ा आयोजन किया है, दंगल का एक पुराना गेम जिसे आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए आप क्या कहना? सबसे पहले मैं जो विराट दंगल के आयोजक हैं उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा और मतलब शांतिपूर्वक दंगल ये संपन्न किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बड़ी खुशी हुई मुझे। और सबसे अच्छा लगा कि यहाँ महिला पहलवान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बुलाए गए महिलाओं के साथ। और दूसरे मैं कहना चाहूँगा, हमारे साथी यहाँ MLC के चुनाव हाँ प्रस्तावित हैं, उसमें श्री सुनील त्यागी जी लड़ रहे हैं, और मैं ये अनुरोध करूँगा कि सभी उन्हें समर्थित करें। धन्यवाद मैडम। देखिए, ये हमारे देश का बड़ा पौराणिक कुश्ती गेम है। यद्यपि आजकल विभिन्न गेम डेवलप हुए हैं, लेकिन ये गेम हमारा बड़ा पारंपरिक है और इसको देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। इसमें परिवर्तन भी है, युवाओं ने भी इसमें भाग लिया है, ये बहुत खुशी का अवसर है। तो सालों से कई बार कहते हैं कि बदलाव एक प्रकृति का एक ऐसा गुण है जो आते रहना चाहिए, तो पहले होता था कि सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट करते थे, अब लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा, ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि देश का नाम रोशन भी किया, तो उनकी सराहना के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अब जो है हमारे देश की बच्चियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही ये भी है कि इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और मैं मेला कमेटी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया महात्मा गंगाधर जी की भवन पर्व पे। और एक चीज़ मैं अपने साथी सुनील कुमार जी के लिए कहूँगा कि ये भावी प्रत्याशी हैं MLC के, मैं इनको शुभकामना देता हूँ दशहरे के अवसर पर, और इनकी जीत की भी कामना करता हूँ, और मेरा और यहाँ की काफ़ी जनता का समर्थन इनके साथ है, इनको हम जिताएंगे, पूरा विश्वास है। दंगल के इस महासंग्राम में श्रीमती कल्याणी जी भी हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि दंगल का जो ये गेम है इतने सालों से चलता आ रहा है, उसमें कितना बदलाव उन्हें देखने को मिला है। मैम, आप बताइए कि कितना है सालों से ये गेम इंडिया में चलता आ रहा है, पहले के मुकाबले अब इसमें कितने डेवलपमेंट आए?
अभी अगर देखा जाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो होते थे बॉयज़ इसमें हिस्सा लेते थे, बट अब किसमें क्या ना लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने लगी है और अच्छा लगता है। और एक तरह से मीडिया ने भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जैसे कि उस पर मूवीज़ बनना, तो उनसे भी एक तरह से लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वो और ज़्यादा उसके लिए मोटिवेट होते हैं कि हमें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर लड़कियाँ आई हुई हैं, छोटी लड़कियाँ भी हैं, बहुत बड़ी लड़कियाँ भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आ चुका है। तो देश की बाकी बेटियों को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जो अभी भी घर में कुछ खेलने का या फिर कुछ बनने का सपना देखते हैं लेकिन किसी वजह से वो सपना पूरा नहीं हो पाता, तो आप पेरेंट्स को या फिर बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो लोग भी अपने सपने को पूरा करें? यहाँ पे तो मैं दंगल मूवी का एक डायलॉग ही बोलना चाहूँगी, मेडल आना चाहिए, छोरा लाया छोरी क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल दंगल के खेल के दौरान विशेष अतिथि रहे एमएलसी प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी ने दंगल के खेल की सराहना करते हुए महिला पहलवानों के बेहतर भविष्य की कामना की और देश भर में सभी को शुभकामनाएं दी। आपसे पूछना चाहते हैं, आज यहाँ पर इतना जो पौराणिक गेम यहाँ पे चलता आ रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या इन बच्चों के लिए आप एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं महात्मा गंगादास जी की पुण्यतिथि पर जो यहाँ के आयोजक है, जिन्होंने इस दंगल का आयोजन किया है, उनको बधाई देता हूँ और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी कोई शक नहीं है कि ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर को ये कमेटी बरकरार बनाई हुई है और ये हमारे देश की परंपरा रही है, तो मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने यहाँ हमारे पहलवान आए हैं उसमें बालिकाएं भी हैं, सबको मेरी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जाहिर है कुचेसर रोड चौपले पर कई सालों से मिट्टी के अखाड़ों पर कुश्ती होती आई है, लेकिन वक्त के साथ बदलाव के मद्देनजर इस बार कुश्ती का खेल गद्दे पर कराया गया। दंगल में सबसे बड़ी कुश्ती 97 किलो भार की रही, जिसमें मनदीप, सुमित, संदीप पोसवाल, अभिषेक खोकर विजयी रहे। उत्तर प्रदेश महिला टीम की मैनेजर स्नेह त्यागी ने महिला पहलवानों का उत्साहवर्धन किया और महिला टीम की कोच दीपिका नागर ने हमें बताया कि पिछले कुछ समय से महिलाओं का रुझान दंगल के खेल की तरफ न सिर्फ ज्यादा बड़ा है बल्कि उनका प्रदर्शन लड़कों से भी बेहतर है। आप सभी ने वो फिल्म तो देखी होगी दंगल, उसका एक डायलॉग भी आपको याद होगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। उसका लाइव एग्जांपल मेरे साथ है, यहाँ पर दीपिका नागर जो इन बच्चों की कोच है हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि दंगल का जो गेम है वो आज का नहीं बल्कि सालों पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो बदलाव आया वो ये कि अब लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है कि आपको भी बराबर का हक मिले? जो दंगल मूवी बनी है वो एक गर्ल्स के ऊपर ही बनी है, क्योंकि गर्ल्स इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है अपनी, और जब से दंगल मूवी आई है तो क्रेज बढ़ गया है पहलवानी का और लड़कों को भी लग गया कि लड़की हमसे बेस्ट हो गई है। तो क्या मैं इनकी मेहनत के लिए क्या क्या आप करते हो कि ये बिल्कुल भी महसूस ना करें कि हाँ हम लड़कों से कम है या फिर हम डर जाएंगे या फिर उन्हें हराने के लिए वो क्या? गर्ल्स बॉयज से अच्छी प्रैक्टिस करती है और गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा है, ज़्यादा पावरफुल होती है। लड़कों की सोच होती है कि हम पावरफुल हैं पर लड़की में ज़्यादा पावरफुल होती है और इनका वर्कआउट भी लड़कों से ज़्यादा बेहतर अच्छा होता है। आज का जो ये गेम था, आपके कौन कौन से जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे आए और कितना उन लोगों ने क्या क्या किया वो आप थोड़ा सा? यहाँ पे पिछले साल भी दंगल में हम लोग आए थे, पिछले अकॉर्डिंग अब की बार कुछ अच्छा हुआ, कुछ अच्छे खास जो अभी वर्ल्ड में मेडल आए हैं सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्रेज बढ़ रहा है अब रेसलिंग का और इन लोगों का भी बहुत अच्छा वो मिल रहा है यहाँ पे कि ये लोग इतना सबको बुला रहे हैं यहाँ पे। कुचेसर चौपले पर आयोजित दंगल के खेल को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और आयोजकों ने दर्शकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार दंगल का खेल इतनी सौम्यता और शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।